हाय दोस्तों, मैं हूँ माधुरी सोनी। ओरिजिनल फूड रेसिपी बाय माधुरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ, बताइए क्या, गर्मियों के मौसम में आलू के चटपटे पापड़। चलिए बनाते हैं आज चटपटे पापड़। देखिए दोस्तों, ये मैंने आलू कम से कम 6 से 7 किलो मैंने आलू उबाल कर रख लिए हैं, छील कर रख लिए हैं, ये देखिए आप। और हर एक आलू को किस तरह से हमें पीसना नहीं है, हम किस लेते हैं इनको, ये देखिए। इस तरह से सारे आलूओं को एक एक करके एक आलू लिया और इस तरह से दबा के हमें किसनी से किस देना है, ये देखिए ये किस चुके हैं। और इसमें हम मिलाएंगे सारा मसाला, हमें सिर्फ 3 मसाले चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो घर में ही रहते हैं अपने। चलिए मसाला ऐड करते हैं किसने के बाद। और इसमें मसाला डालने के लिए ये देखिए, ये लाल मिर्ची है, मैंने लाल मिर्च, ये देखिए लाल मिर्चियों को इस तरह से काट लेना है, खड़ी लाल मिर्ची, हमें पिसी हुई नहीं डालना है, नहीं तो वो लाल हो सकते हैं इसलिए। और चलिए ये देखिए, इतनी लाल मिर्च हो गई है। और लाल मिर्च के अलावा अब डालेंगे इसमें नमक, तो 5 से 6 किलो आलू है, तो ये देखिए मैं बताती हूँ आपको नमक कितना डालना है। 2, ये 3 और ये 4, ये देखिए 4 चम्मच हमें इसमें नमक मिलाना है, बड़ी चम्मच है। और ये देखिए, और डालेंगे इसमें जीरा, तो 1 और ये 2 और 3, 3 चम्मच हमें इसमें जीरा डालना है, तो 3 चम्मच जीरा हो गया, 4 चम्मच ये नमक हो गया, और इतनी ये मिर्ची हो गई। चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं और लोइयां बना लेते हैं, तेल लगाकर लोइयां बनाइएगा ताकि वो चिपके नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरह से लोई बना ली है, आप भी तेल लगा लगा कर इस तरह से लोई बना लीजिए। देखिए मैंने इतनी सारी लोइयां बना ली हैं। और ये देखिए इस तरह से पापड़ बेलना है, मैंने ये पन्नी ले ली है एक पॉलीथिन, और उसे काट लिया है। इस तरह से आप लोई रखिए तेल लगाकर, बगैर तेल के नहीं, नहीं तो चिपक जाएगा। और फिर मशीन से ये लिया एक ही बार में, ये देखिए पापड़ बनकर तैयार। इस तरह से ये देखिए मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया पापड़, ये सूख चुके हैं एक ही दिन में। मैंने इन पापड़ों को दूसरे दिन डाला, पहले दिन तो मैंने इसको इधर पे ही डाल के रखा था रात भर साड़ी पर, और बड़ी ही आसानी से दूसरे दिन सुबह के टाइम पर ये निकल आते हैं। इसी तरह आप भी बनाइएगा, बगैर धूप के पापड़ आप आराम से अपने घर पर ही बैठकर शाम के टाइम बना सकते हैं। रात भर डला रहने दीजिए और सुबह उठकर उनको निकाल लीजिए साड़ी से, और फिर इनको धूप में डाल दीजिए तब धूप निकल आए। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया बने हैं। चलिए अब हम इनको सेंक कर बताते हैं आपको। ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है, चलिए डालते हैं पापड़ और देखते हैं कैसे बने हैं। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया पापड़ सिके हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सिक चुका है। और ये देखिए बढ़िया करारे करारे पापड़ आलू के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगती है मेरी। इसी तरह से हम सारे पापड़ निकाल लेते हैं, ये देखिए है ना बढ़िया। तो देखा आपने, बगैर धूप के भी पापड़ बन सकते हैं। इसी तरह से मैं खींचला भी बनाती हूँ, चावल के आटे के पापड़ भी बनाती हूँ, वो भी बगैर धूप में बैठे, बगैर धूप में सुखाएं। इसी तरह से सारी चीज़ें मैं इसी तरह रूम में आराम से काम करके अपना और फिर शाम के टाइम बना लेती हूँ। ये देखिए आप, अभी क्या है, नए नए पापड़ हैं ना, तो इसलिए अभी ये थोड़े पुराने होंगे और अच्छे से 2-3 दिन में सूख जाएंगे और भी बढ़िया, तो और भी बढ़िया सफ़ेदी आएगी इन पापड़ों में, ये बिल्कुल भी लाल नहीं होंगे, ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।
अगली रेसिपी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।